अस्सलाम वालेकुम। डेट 9th of July 2020, क्लास 1, सब्जेक्ट कायदा। आइए बच्चों अपने सबक का आगाज ताबस तस्मिया की तिलावत और दुआ से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्राह्ली सदरी वयस्सिरली अम्री واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم آمين। بسم الله الرحمن الرحيم। تختی نمبر دو مرکبات। تختی نمبر دو مرکبات दो या दो से ज़ायद हरूफ के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब की जमा मुरक्कबात है। इन्हीं मुरक्कबात से मिलकर हमारा प्यारा कुरान पाक मुकम्मल हुआ है। बेटा ये था तख्ती नंबर दो मुरक्कबात का तारुफ। आज हम पढ़ेंगे, पहले हमने पढ़ा था बात ता सा नून और या के साथ जोड़ करके वर्ड को पढ़ा था। अब हमारा जोड़ है जीम हा और हा के साथ। जीम के सेंटर में एक नुक्ता होता है, जीम। पढ़िए, जीम हा हा। अब देखिए जो ग्रीन वर्ड है वो और रेड, ये टू वर्ड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आज हैं थ्री लेटर वर्ड भी, ये टू लेटर वर्ड, दोनों तरीके के वर्ड हैं। अब आपने गौर से पढ़ना है, हा सा हा सा। अब ये पांच वर्ड वो भी इसके अंदर ऐड हुए हुए हैं। देखिए जीम हा हा के साथ उन पांच वर्ड का जोड़ आएगा। आगे देखिए, हा बा हा बा, जीम ता जीम ता। फिर पढ़ेंगे, हासा हाबा, जीम ता जीम ता। अगला वर्ड देखिए। अब ये थ्री लेटर वर्ड हैं, इनको मैंने थ्री कलर्स के अंदर आपको बताया है लिखकर। पहला वर्ड देखिए, मैंने आपको बताया था किसी भी शक्ल के ऊपर दो नुक्ते आ जाएं वो ता होगा। इसके बाद देखिए हा की ये हाफ शक्ल, ता हा ता हा ता ता हा ता। अगला वर्ड देखिए, किसी भी शक्ल के नीचे दो नुक्ते वो या, और जीम के नीचे सेंटर में नुक्ता होता है, या जीम बा या जीम बा। अब तीसरा वर्ड बा, ये देखिए ग्रीन का नुक्ता, ग्रीन वाली जो शक्ल है उसका नुक्ता ग्रीन है, जो रेड वाली है उसका नुक्ता रेड है, और जो ब्लू है उसका नुक्ता ब्लू है। बा हो, बा के नीचे एक नुक्ता होता है और ख के ऊपर एक नुक्ता होता है, बा होता बा होता। अब हम फिर से रिवीजन करेंगे, ता हा ता या जीम बा बा होता। आइए इन लेटर को कायदे में पढ़ते हैं, जीम हा हा हासा हाबा, जीम ता ता हा ता, या जीम बा बाहोता। ठीक है बेटा, ये आपने सबक याद करना, और कल का सबक है नून बा नून।
बानून नून तायानून यासानून बासानून। ठीक है बेटा, याद कीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।